सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, 2024 में अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं जो एमसीए करवाती है, मतलब उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे करके हम एमसीए कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, तो आज हम टॉप के 5 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को डिस्कस करने वाले जो आप 2024 में दे सकते हो। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन ले लेना चाहिए या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे करके एडमिशन लेना चाहिए, तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं लेकर के आऊँगा कि क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान होता है। तो ये मैं एक प्रॉपर वीडियो में बताऊँगा आपको, लेकिन एक मोटा मोटी अभी जान लो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस नहीं होते, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन तो हो ही जाता है लेकिन फिर भी क्रेज़ बच्चों में होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर के, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही होगा। इसीलिए जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को ज़्यादा प्रेफर करते बच्चे कि अगर हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के थ्रू जो कॉलेज मिले तो ज़्यादा सही होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट एडमिशन। तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आप दे सकते हो, अब ये कब कब होते हैं, कौन से मंथ्स में होते हैं, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, और जो है कम टाइम में हम कैसे इसे पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो में जरा सा भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस अराइज कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट वहां पे भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, टॉप 5 एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन 2024, हम कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने पांचों का यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि कौन से एग्जामिनेशंस हैं और फिर कौन से मंथ्स में हैं, होने के चांसेस होते हैं। ये जितने भी मैंने मंथ्स लिखा है ये सब 2023 को लेकर के है कि 2023 में कौन से मंथ्स में जो है एग्जामिनेशंस हुआ था। तो ये देखिए, सबसे पहले आता है हमारा निमसेट, मतलब निम सीईटी जिसे आप बोलते हैं निमसेट, ये टॉप के हैं, टॉप लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इसके लिए बच्चों में बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, मतलब भर भर के कोचिंगों में फ़ीस देते हैं इसे, एक एक साल बच्चे मेहनत करते हैं तब जाकर के ये एग्जामिनेशन जो है क्रैक होता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी माना जाता है। इससे क्या होता है, इस एग्जामिनेशन को देने से हमें कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, इस एग्जामिनेशन को देने से आपको इंडिया के जितने भी टॉप लेवल के NITs कॉलेजेस हैं, NITs कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है, जहाँ से अगर आप MCA करते हो तो आपके पैकेजेस 10 प्लस ही रहने वाले हैं, 10 से नीचे बहुत मुश्किल कम ही रहते हैं, मतलब 10 से ऊपर ही रहने वाले। तो और जो इसका रेप्यूटेशन है, एक NITian का रेप्यूटेशन बहुत बड़ी होती है, मतलब एक टैग होता है, NIT का टैग होता है, तो वो होती है। तो NIT में हमें जाना है तो फिर निमसेट एग्जामिनेशंस को क्रैक करना ही पड़ेगा। 800 समथिंग सीट्स होती है, इसमें 9 या 10 NITs पार्टिसिपेट करती है। इस पर मैं अगर आप बोलोगे तो डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगा कि निमसेट को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, निमसेट के लिए कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक स्टडी डिटेल में कैसे हम जो है आप ये प्रिपेयर करेंगे कि जो हमारे ये 6 मंथ्स में कवर हो जाए सिलेबस, और जो हम एक अच्छा रैंक लेकर के आए इस एग्जामिनेशन में, तो वो मैं बता दूंगा। निमसेट का हो गया। फिर इसका जो एग्जामिनेशन है वो जून में हुआ था, इस साल 2023 में जून में इसका एग्जामिनेशन हुआ था, और फिर 1 से 1.5 मंथ्स काउंसलिंग चलती है अगस्त या सितंबर, अगस्त से मतलब इसका जो है सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं NITs में भी हैं, और जितने सारे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बता रहे हैं जो भी कॉलेजेस में हैं, लगभग सारे कॉलेजेस में हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो फ्रेंड्स हैं। तो हमें पता ही होता है कि क्या, हम लोग 2-3 साल से यही काम ही कर रहे हैं कि क्या कौन से कॉलेजेस में कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्या होने वाला है, सब चीज़ का डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे पड़ा मिलेगा। हर एक साल का, हर एक साल हम लोग बताते ही है कि कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, कैसे देना है, खासकर महाराष्ट्र सीईटी का ही चैनल है ज़्यादातर, तो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं सब चीज़। तो अब चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है भैया, इसमें आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे आपका DU हो गया, BHU हो गया, या फिर आपका JNU हो गया, बस अभी इतना ही जानो, इससे आपको अंदाज़ा तो आ ही गया होगा कि टॉप के कॉलेजेस कौन से हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, DU, BHU, JNU, मतलब जो भी बच्चे इस एग्जामिनेशंस को देते हैं वो टारगेट इन्हीं 3 कॉलेजेस को करते हैं, JNU, BHU या फिर DU, ये तीनों में से कोई भी कॉलेज हमें मिल जाए जो भी इस
एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं वो यहाँ पे मिल ही जाते हैं। तो इसका CUET मतलब CUET महाराष्ट्र CET जामिया इन सब का जो है प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं बताऊँगा अभी आप लोगों को। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, और अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना भैया। तो इसका एग्जामिनेशन कब होता है? इसका एग्जामिनेशन मई में होता है, मतलब मई में। अभी आपका क्या चल रहा है? अभी सितंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, तो सितंबर ख़त्म ही हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अभी भी 8 महीने हैं, 7-8 महीने हैं, तो इनफ है। अभी से भी अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो ये एग्जामिनेशन क्रैक करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है CUET है। CUET के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं? DU, BHU, JNU, इतना तो आपको पता चल ही गया। अब हमारा आता है महाराष्ट्र CET, महाराष्ट्र MCA CET। ये महाराष्ट्र आप जान ही रहे हो, महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी MCA कॉलेजेस हैं वो टॉप के कॉलेजेस आपको मिलते हैं किसके थ्रू? आप महाराष्ट्र MCA CET के थ्रू। उसमें आपने सुना होगा मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, ये जो है टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब किससे मिलते हैं? महाराष्ट्र MCA CET से मिलते हैं। पुणे यूनिवर्सिटी जो नंबर वन यूनिवर्सिटी मानी जाती है टेक्निकल के मामले में, तो आपको कौन से एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे जो ये एग्जाम जो आपको पुणे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिलेंगे? तो महाराष्ट्र CET का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। महाराष्ट्र CET का एग्ज़ाम कब होता है? मार्च में होता है। लास्ट ईयर से ऑन टाइम इसका एग्जामिनेशन हो रहा है, सब चीज़ ऑन टाइम हो रहा है। तो अगर आप महाराष्ट्र CET के एस्पिरेंट हो और इसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि मार्च में इसका एग्जामिनेशन होना ही है, तय है, हो करके ही रहेगा। मतलब ये एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। महाराष्ट्र CET में मैंने बता दिया कब होते हैं एग्ज़ाम, कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, टॉप के जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है महाराष्ट्र MCA CET की, 2023 का भी मिल जाएगा, 2022 का भी मिल जाएगा। इसका हमारे पर्सनल बैचेस चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, सभी चीज़ हमारे वेबसाइट www.mcagyan पे अवेलेबल है, तो जाकर के आप चेक कर सकते हो। हमारा जो स्टडी मटेरियल है CUET का भी वहाँ पे मिल जाएगा, महाराष्ट्र CET का भी मिल जाएगा, जामिया का भी मिल जाएगा। तो सब का हमारा जो है स्टडी मटेरियल या फिर प्रिपरेशन जो है गाइडेंस वहाँ आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो हमारा कोर्स ये वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर करो, हमारे वेबसाइट पे जरूर जाओ, www.mcagyan.in है। अभी मैं अभी आपको दिखाऊंगा वेबसाइट पे चल के भी। तो अब हमारा नेक्स्ट में क्या आता है? हमारा जामिया MCA आता है, जामिया मिलिया इस्लामिया। बहुत चर्चा में है कि इस साल जो है जामिया MCA CUET के अंडर में हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो जामिया जो है अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। और ये एक ऐसे ही ओनली जो है यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है वो ऑफलाइन मोड पे, मतलब पेन और पेपर को पे जो OMR सीट होती है ना उस पे होती है इसका एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। इसका एग्जामिनेशन कब है? इसका एग्जामिनेशन मई में होता है। ये इसको मैंने टॉप 5 में क्यों रखा? इसको मैंने टॉप 5 में इसलिए रखा क्योंकि ये 10,000 में आपका MCA कंप्लीट करवा देती है। 10 से 15,000 लगता है आपका पूरी MCA कंप्लीट करने में, बस 2 साल का MCA आपको 10 से 15 में कंप्लीट करवा देगी। और इसका जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 7 lakh वेरी करता ही करता है, मतलब 6 to 7 lakh जाता ही जाता है। तो इसलिए मैंने इसे टॉप पे रखा है, टॉप 5 में MCA में रखा है। ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो बहुत सारे होते हैं, मैं एक कोशिश करूँगा एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँ कि कितने जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं टोटल इंडिया के अंदर, अगर आप MCA करना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे करके जो है कॉलेजेस लेना चाहते हो। तो इसका एग्जामिनेशन कब है? इसका एग्जामिनेशन भी है मई में होता है। तो इसका भी एक पर्टिकुलर कोर्स डाला पड़ा है हमारे जो है वेबसाइट पे, आप जाकर के एक अफोर्डेबल प्राइस में है, एकदम सस्ती प्राइस में है, जाकर के एक बार आप जरूर गो थ्रू करो, एक बार जरूर जाकर के हमारी वेबसाइट को एक बार जाकर के गो थ्रू जरूर करो। फिर आपका है 10 CET, मतलब 10 सेट जिसे आप बोलते हो, तमिलनाडु इंट्रेंस कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, जो तमिलनाडु में जितने भी टॉप के MCA कॉलेज उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा 10 सेट। और मैंने इसे क्यों रखा? क्योंकि ये साउथ के साइड में, और साउथ के साइड के कॉलेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी तगड़े होते हैं, और वहाँ पे कंपनी भी बहुत अच्छी अच्छी विजिट करती है। तो हम लोग मैंने इसलिए इसको अपने लिस्ट में रखा है। इसका एग्जामिनेशन कब है? इसका एग्जामिनेशन जो है मार्च में होता है। तो दोस्तों ये रही 5 टॉप 5 इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके स्क्रीन पे, ये रहा, आप इसे देखो। और कौन कब एग्जामिनेशन होते हैं अप्रॉक्स इसी जो है मंथ्स में होने वाले हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो हुआ, नहीं तो सेम ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें इन सब इंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी कहाँ से करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर आपको जाना है www.mcagyan.in। जैसे ही आप सर्च करोगे, लिखोगे गूगल पे, आ जाएगा हमारा वेबसाइट, खुल जाएगा हमारा वेबसाइट ही खुल जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो हमारा सारा CUET MCS CUET का भी जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि अगर आप कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन देना दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको एक रियल लाइफ एक रियल टाइम इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं उसी तरीके से जो आपका टेस्ट सीरीज भी होता है, तो टेस्ट सीरीज में अगर कोई भी गलतियाँ होती है तो वहाँ पर आप सुधार सकते हो। एग्जामिनेशन अगर बिना टेस्ट सीरीज के गए एग्जामिनेशन में कोई भी गलती हुई तो आपको सुधारने का मौका नहीं मिलता है, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज होता है। टेस्ट सीरीज आप जितना ज़्यादा दे सकते हो, जितना मॉक आप लगा सकते हो, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना आपके लिए जो है एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी गुड स्कोर करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज रखा है, CUET का टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको कुछ कुछ वीडियोस लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, कुछ कुछ जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स के PDF है वो नोट्स मिल जाएंगे, और कुछ कुछ मैथ्स के जो है वीडियो लेक्चर्स, कंप्यूटर के वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस CUET के एंट्रेंस टेस्ट सीरीज में। फिर आपका आता है हमारा महाराष्ट्र CET का जो डॉट बैच ही चल रहा है, इसमें आपको जितने भी लाइव लेक्चर्स हैं सब मिलने वाले हैं। देखिए डॉट बैच में सभी चीज़ आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, फिर आपका जो है वो नोट्स PDF सारा चीज़ अवेलेबल होगा। फिर आपका आ गया जामिया मिलिया इस्लामिया MCA का, तो इसमें भी आपको टेस्ट मिलेंगे, वीडियोस लेक्चर्स मिलेंगे, और फिर आपका जो है नोट्स मिलेगा। तो ये सब तीन जो है मैंने 5 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नेम बताया, जिसमें से 3 एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो है प्रिपरेशन बोल सकते हो आप, टेस्ट सीरीज हो गया या फिर नोट्स हो गया, वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जाकर के आप एक बार जरूर से ज़रूर चेकआउट करो, देखो समझो और फिर जो है अपना डिसीजन लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों, ये रही हमारी टॉप 5 एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाली वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। थैंक यू।